नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, गुजराती जहां जाते हैं अपने आसपास में गुजरात सा बसा लेते हैं। गुजरात के पोरबंदर के छोटे से गांव गोराना में जन्मे महेंद्र नानजी मेहता ने अपनी सूझबूझ और परोपकारी स्वभाव से पूरी दुनिया में अपने व्यापार को फैला दिया। उनका कहना है कि हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता, केवल अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी महेंद्र नानजी मेहता के बारे में। महेंद्र नानजी मेहता, धैर्य, सूझबूझ और सफलता। सन 1887 में गुजरात पोरबंदर के गोराना गांव में जन्मे उद्योगपति और परोपकारी नानजी भाई ने ब्रिटिश शासनकाल के ईस्ट अफ्रीका में मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। सन 1900 के पहले दशक में ही नानजी भाई अफ्रीका चले गए थे और वहां चीनी, कॉफी और चाय में व्यापार किया। कुछ समय बाद सन 1932 में जन्मे उनके बेटे महेंद्र भाई ने अपने पिता के व्यापार में कदम रखा और व्यापार की बागडोर संभाली। महेंद्र भाई को व्यापारिक सूझबूझ और परोपकारी का स्वभाव तो अपने पिताजी नानजी कालिदास मेहता से विरासत में ही मिल गई थी। उन्होंने मेहता समूह की स्थापना करके अपने पारिवारिक व्यवसाय का विश्व भर में विस्तार कर दिया। महेंद्र भाई शुरू से ही बहुत दूरदर्शी व्यक्ति रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका चीनी उद्योग की कई योजनाओं में अपना अतुल योगदान दिया, जिसे बाद में समस्त अफ्रीका के चीनी उद्योग ने अपनाया और वहां समृद्धि आई और रोजगार के अधिक अवसर पैदा हुए व उनकी आय भी बढ़ी। महेंद्र भाई की योजनाओं ने कीनिया देश के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बहुत योगदान दिया। सन 1971 में उन्होंने युगांडा सरकार के साथ साझेदारी में किनयारा चीनी नाम की कंपनी का निर्माण किया, लेकिन सन 1972 में युगांडा में तख्तापलट होने से उनकी राष्ट्रीयता को रद्द कर दिया गया और पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। उसके बाद कनाडा की सरकार ने उन्हें कनाडा में बसने की अनुमति दे दी। कनाडा जाकर महेंद्र भाई ने धैर्य रखते हुए दोबारा व्यापार शुरू किया। तब महेंद्र भाई को सन 1966 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में लिखी कुछ लाइनें याद आ गई। उन्होंने लिखा था कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों व संघर्ष से भरा होता है। व्यापार और जीवन में कई बार निराशाएं और असफलताएं हमारा मन तोड़ देती हैं, लेकिन एक आशावान व्यक्ति व एक उद्यमी को बड़े धैर्य और प्रसन्नता से वह कठिन समय तय करना चाहिए जब तक कि उसे आशातीत सफलता ना मिल जाए। कनाडा में वहां के टोरंटो शहर में एक छोटी सी प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाई और भारत में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाएं शुरू की। कुछ समय में ही व्यापार वापस से व्यवस्थित हो गया। सन 1980 में महेंद्र भाई ने गुजरात सरकार की सीधी सीमेंट योजना में निवेश किया। सन 1992 में वे उस कंपनी के अध्यक्ष बन गए। उन्हीं दिनों युगांडा में शांति स्थापित होने के बाद वहाँ एक चीनी मिल की शुरुआत की, जो की आज $200 मिलियन की कीमत का प्लांट है। आज मेहता का व्यापार युगांडा, कीनिया, अमेरिका, कनाडा व भारत में बहुत अच्छा स्थापित हो गया है। मेहता ग्रुप ने करीब 10,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ है। मेहता समूह का पूंजी मूल्यांकन $500 मिलियन से ज्यादा है। उनके द्वारा स्थापित उद्योग के कारण कीनिया व युगांडा के निवासियों का आर्थिक व सामाजिक स्तर बहुत अच्छा हो गया। साथ ही महेंद्र भाई ने सामाजिक उत्थान के लिए अपने धन, समय व प्रयास का अनमोल योगदान दिया। उनके इन्हीं कार्यों के कारण युगांडा और कीनिया में राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। व्यावसायिक सफलता के अलावा महेंद्र भाई हमेशा ही परोपकार व लोक कल्याण के कार्यों में दिल खोलकर अपना अमूल्य सहयोग देते हैं। सीख: सफलता का रास्ता कठिनाइयों व संघर्ष से भरा होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक बहुत मायने रखता है मेरे और मेरी टीम के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।